आरोह घर की यादें, इसके जो कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, इसके बारे में मैंने आपको पहले पढ़ाया था, इनका जीवन परिचय बताया था। आज मैं आपको जो इसके प्रश्न उत्तर हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ और समझाने जा रहा हूँ। पानी के रात भर गिरने और प्रण मन के घेरने में परस्पर क्या संबंध है? इसका उत्तर इस प्रकार है, पानी के रात भर गिरने और प्रण मन के घेरने के मध्य गहरा संबंध है। वर्षा होने पर मन में भी प्यार की भावनाएं उमड़ने घुमड़ने लगती है। व्यक्ति का प्रण मन अपनों से मिलने के लिए व्याकुल होता है। वर्षा की बूंद एक ओर जहां प्रण मन को उल्लासित करती है, वहीं दूसरी ओर वियोग अथवा विषयों के पलों में वे अपनों से मिलन की कामना करती है। यहाँ कवि कारावास में है, वर्षा हो रही है, रात भर मूसलाधार बारिश हो रही है। कवि के मन में अपने घर से दूर होने की चिंता उसे व्यथित करती है, उसे अपने घर वालों की अधिक याद सताती है। जैसे जैसे पानी रात भर लगातार बरस रहा है, वैसे वैसे कवि के प्रण मन में अपने भी घर वालों की स्मृतियां किसी तैलचित्र की भांति निरंतर उभर रही है। इसका जो दूसरा प्रश्न है वह इस प्रकार है, मायके आई बहन के लिए कवि ने अपने घर को परिता का घर क्यों कहा? उत्तर है, वह इस प्रकार है, कवि की कुल चार बहनें हैं, इनमें से एक विवाहिता है। कवि सोच रहा है कि सावन के महीने में उसकी विवाहिता बहन अपने माता पिता के घर यानी कि मायके में अपने परिजनों से मिलने आई होगी। वह अपने माता पिता एवं भाई बहनों की कुशल क्षेम जानना चाहती होगी, उनसे अपने दुख दर्द एवं राजी खुशी साझा करना चाहती होगी, किंतु घर पर उसे सब परिजनों के बीच जब पांचवा भाई यानी भवानी जो कवि है नहीं देखा होगा और उसे जब यह पता चला होगा उसका प्रिय भाई कारावास में कैद है, तो उसके दिल पर क्या बीती होगी, उसे कितना दुख पहुंचा होगा। ऐसी स्थिति में उसे अपना मायका खुशी प्राप्त करने का स्थान नहीं अपितु परिता अर्थात दुखों का घर लगा होगा। इसका जो तीसरा प्रश्न है, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है? उसका उत्तर इस प्रकार है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने इस कविता में अपने पिता के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताओं की चर्चा की है। कवि के अनुसार उनके पिता इस उम्र में भी अत्यंत फुर्तीले जोशीले एवं नौजवान हैं। वह अब भी प्रतिदिन कड़ा व्यायाम करते हैं। वह एक बार में 260 दंड बैठक लगा लेते हैं। भारी भारी मुगदरों लकड़ी की गदा को बच्चों के खिलौनों की तरह नचाते हैं। वह किसी भी जवान लड़के की तरह तेज और दूर तक दौड़ लगा लेते हैं। वह बहुत हंसमुख स्वभाव के हैं, सदैव खिलखिलाने वाले। साहस तो उनमें इतना कूट कूट कर भरा है कि यदि शेर भी सामने आ जाए तो तनिक भी ना घबराएं अथवा हिचकिचाएं। उनकी आवाज काफी बुलंद है, उसमें बादलों जैसी गर्जना है। उनके कार करने
की गति तो तूफान की गति को भी मात देने वाली है। वास्तव में उनके बुढ़ापे जैसे कोई लक्षण नहीं दिखते। बुढ़ापा अभी तो उनको छू तक नहीं पाया है। एक तरफ तो पिताजी नियमों को मानने वाले तथा कठोर व्यायाम कर शरीर को सदैव मजबूत रखने वालों के पद्धर हैं, वहीं दूसरी ओर वह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के स्वामी हैं। वह प्रतिदिन बिना नागा गीत पाठ करते हैं। बाहर से अत्यंत कठोर दिखने वाले पिताजी अंदर से बहुत कोमल स्वभाव के हैं। वे अपने एक बेटे को अपने साथ ना पाकर उनका कोमल हृदय चित्कार कर उठता है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पिताजी को अपने परिवार की भी बहुत चिंता रहती है। वह अपने इतने बड़े परिवार की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखते हैं। चौथा है जो प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषताएं बताइए। मैं मजे में हूं सही, घर नहीं हूं बस यहीं, किंतु यह बस बड़ा बस है, इतनी इसी बस से सब विरस है। इसका जो उत्तर है वह इस प्रकार है, यमन अलंकार से परिपूर्ण इस गद्यांश में बस शब्द के विविध अर्थ हैं। द्वितीय पंक्ति में आए पहले बस शब्द का अर्थ है मात या केवल, अतः घर नहीं हूं बस यही है का अर्थ है, बात मात इतनी सी है कि मैं कभी घर पर नहीं हूं। तृतीय पंक्ति में आए दूसरे बस शब्द का अर्थ है बस, तथा इसी तृतीय पंक्ति में तीसरे बस शब्द का अर्थ बड़ा गहरा है, इसका अर्थ है बहुत बड़ी बात। अतः किंतु यह बस बड़ा बस है का अर्थ है किंतु यह जो छोटी सी बात बस है ना, यह बहुत बड़ी बात है। चौथी पंक्ति में आए चौथे और अंतिम बस शब्द का अर्थ है बेबसी, अतः इसी बस से विरस है का अर्थ है इतनी बेबसी के कारण सब कुछ रसहीन अर्थात आनंद विहीन हो गया है। पांचवा जो प्रश्न है वह इस प्रकार है, कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कवि अपनी किस स्थिति व मन स्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। पांचवा जो प्रश्न है वह इस प्रकार है, कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मन स्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। इसका उत्तर इस प्रकार है, कविता की अंतिम 12 पंक्तियों में कवि कारावास की अपनी वास्तविक स्थिति अथवा यथार्थ को अपने घर वालों से छिपाना चाहता है। कारावास में कैद कवि स्वयं को अकेला एवं दुखी अनुभव कर रहा है। सावन में बरसात की बूंदों के साथ साथ उसका मन अपने परिजनों की स्मृतियों के संसार में विचरण कर रहा है। वह अत्यंत दुखी है। अपनी इस मनोस्थिति को कवि अपने घर वालों से छिपाना चाहता है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार का दुख ना पहुंचे। उसे पता है कि उसकी वास्तविक दशा जानकर उसके माता पिता एवं भाई बहन और अधिक व्याकुल हो उठेंगे, अतः वह अपनी वास्तविक स्थिति को छिपा जाता है। मैंने आपको घर की याद इस कविता को लिखा है, भवानी प्रसाद मिश्र ने। उन्होंने अपने इस कविता में जो घर की याद आती है, उनको अपने माता पिता की याद आती है, वह
कारावास में बंद हैं और बाहर बरसात हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है और वह अपने परिवार के सदस्यों की उन्हें याद सताती है। इस बारे में आपको मैंने पढ़ाया हूँ, इनके जो प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया और PDF में आपको दे दिया गया है। इसका आप लोग अच्छे से अध्ययन करिए और कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं।